ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 30 दिसंबर 2021। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पर हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। दिल्ली में उच्च न्यायालय और सभी अदालतें अब वर्चुअल काम करेंगी। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत 8वीं बार फाइनल में। प्रधानमंत्री की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यात्रा की गई रद्द। नागालैंड में आर्मी के स्पेशल पावर एक्ट की अवधि को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया। अवैध धर्मांतरण मामले में 8 प्रांतों से 17 आरोपी गिरफ्तार। गांधी जी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने पर संत कालीचरण हुए गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। आज मुंबई में कोरोना के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दिया गया, जो 7 जनवरी तक जारी रहेगी। कल जारी एक बयान में ग्रेटर मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि नए साल पर किसी भी तरह का उत्सव मनाने के लिए बंद या खुले स्थान कहीं भी एकत्र होने की इजाजत नहीं है। होटल, बार, पब, रिसोर्ट, कहीं भी लोगों को इकट्ठा होने की मनाही है। इस आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर दोषियों पर सेक्शन 188, 1860, 1897 और 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुंबई में बुधवार को 2510 नए कोविड मामले सामने आए, साथ ही ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़े हैं। उधर गुजरात में भी कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 7 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय कोविड 19 के मौजूदा हालात को देखते हुए अब वर्चुअल काम करेगा। फिलहाल 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी कोर्ट वर्चुअल होंगे। उच्च न्यायालय के साथ साथ दिल्ली की सभी जिला अदालतों में भी ऑनलाइन कामकाज ही चलेगा। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। बता दें कि पाकिस्तान की टीम अंतिम 4 का मैच हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत की अंडर 19 टीम 8वीं बार फाइनल में पहुंची है और 7 बार ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट इस वर्ष दुबई में खेला जा रहा है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी अगले महीने की यूएई यात्रा को रद्द कर दी है। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री खाड़ी देशों की यात्रा पर जाने वाले थे, जहां भारत और यूएई के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव था, लेकिन कोविड की तीसरी लहर के कारण इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया। नागालैंड में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की अवधि को पुनः 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये विशेष पावर है जो आर्मी को अशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए मिलता है, जिसमें आर्मी विशेष परिस्थिति में सरकार के आदेश के बिना भी कार्रवाई कर सकती है। गौरतलब है कि नागालैंड में एक्टिविस्ट और राज्य सरकार भी AFSPA को हटाने की मांग करते आ रहे हैं। ये मुद्दा तब उछला था जब इसी महीने की 4 तारीख को आर्मी ने उग्रवादियों के भ्रम में 6 मजदूरों को मार गिराया था। उत्तर प्रदेश के आतंकवादी निरोधी दस्ते ने अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी, सलाउद्दीन और गौतम सहित 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी डीजीपी ने खुलासा किया है कि इस मामले में 100 करोड़ से अधिक राशि का आदान प्रदान हवाला और बैंकों के द्वारा धार्मिक ट्रस्टों को किया गया है। इस संबंध में विदेश से फंडिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। डीजीपी उत्तर प्रदेश मुकुल गोयल ने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश ATS ने इस साल कई आतंकवादी मॉड्यूल को भी बेनकाब किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आज सुबह संत कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया। कालीचरण महाराज को महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण का अंश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर गांधी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आज उन्हें रायपुर की अदालत में पेश किया। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पर न्यूज़ रेल।